ये किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के हिसाब से। अब अगर हम सॉल्वेंट के हिसाब से देखें सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मीडियम ऑफ डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। तो ये दो तरह के हैं, एक है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले इसको लेते हैं, कोई भी पहले लेने से फर्क नहीं पड़ता। एक्वस सॉल्यूशन पहले ले लो, ये ज्यादा आसान है। अ सॉल्यूशन इन वाटर, अ सॉल्यूशन मेड इन, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन एनी सब्सटेंस अदर देन वाटर, एनी सब्सटेंस अदर देन, वो नॉन एक्वस कहलाता है। मिसाल के तौर पर एल्कोहल में आप टिंक्चर आयोडीन को घोल दें एल्कोहल के अंदर, टिंक्चर आयोडीन कहलाती है, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। प्लास्टिक्स हैं, वो पेट्रोल में डिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत से प्लास्टिक, तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ऑयल में बहुत सी चीज़ें घुल जाती हैं, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, इट इज एक्वस सॉल्यूशन। अब जितने आपके लैब में एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जितने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो दे आर मेड बाई डिजॉल्विंग इन वाटर। अभी बात समझ में? अब कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट ये हम आज करेंगे कि भाई इससे क्या मुराद है, लेकिन वो सारे पानी में होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड भी पानी में है और डायल्यूट भी पानी में बनता है, तो एक्वस सॉल्यूशन है सारे। चीनी घोलते हैं, शरबत बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी के अलावा कोई और सा सॉल्वेंट हो, कोई और सा सॉल्व, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? इसके हिसाब से जो तीन सॉल्यूशन है, तीन तरह के सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं बताइए, तो आपको मालूम है अनसेचुरेट है कि भाई अभी हम खाना खाने गए, दो चार निवाले खाए, या पेट भरा नहीं, अभी सेचुरेशन नहीं हुआ, अभी पेट भरा नहीं, इसका मतलब अभी हम और खा सकते हैं और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर, अगर सॉलिड है तो टेम्परेचर और गैसेज है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट मतलब और डिजॉल्व कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर और टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज, इन केस ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे, तो खाली टेम्परेचर नहीं होता, गैस के केस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। गैसेस डिजॉल्व एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जबकि सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ टेम्परेचर का असर पड़ता है। चीनी ज़्यादा डिजॉल्व होगा हाई टेम्परेचर पर और कम डिजॉल्व होगा। अब चीनी है, आपको फीकी लगी, आपने कहा थोड़ा फीका लग रही है, एक आधा चम्मच चीनी और डाल दी, तो और घुल गई, वो भी घुल जाएगी, क्यों? क्योंकि वो अनसेचुरेट था। अनसेचुरेट का मतलब है वो और डिजॉल्व कर सकता है, इसमें और आ सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन? दैट सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे, और एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ, क्योंकि ये पॉइंट शुरू से क्लियर रहना चाहिए, गैसेस का असर प्रेशर के ऊपर, प्रेशर
का सर गैसेस पे पड़ता है, उनकी सॉल्युबिलिटी पे। हम एक पॉइंट को लेके नहीं चल सकते, अगर बुक में अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब भी नहीं हम छोड़ देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अनसेचुरेट की डेफिनेशन समझ में आ गई? सेचुरेट है अक्सर हम जाते हैं शादियों में, कहते हैं हम कि भाई मेहमान की बहुत ज़्यादा खातिर कर रहे हैं, फिर हम जब वो मानते नहीं, खिलाए जाते हैं ये भी खाओ ये भी खाओ, तो हम आखिर में कहते हैं भाई नाउ आई एम सेचुरेटेड, मतलब अब और नहीं खा सकता। पढ़ते हुए भी जब आप बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री आप बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, आधा घंटा एक घंटा हो गया, तो एक स्टेज आती है कुछ समझ में नहीं आता यार कितनी आसान चीज़ हो, तो फिर हम कहते हैं यार सेचुरेट हो गया अब समझ में नहीं आ रहा, यानी दिमाग में जितनी कैपेसिटी थी समझने की वो पूरी हो चुकी है। तो ये वर्ड हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व टेम्परेचर, और ब्रैकेट में लिखेंगे और एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, ये ब्रैकेट में गैसेस वाला पार्ट अलग से लिखेंगे कि गैसेस के केस में जो सेचुरेशन आता है उसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब आप जानते हैं कि भाई घर में जो हम आमतौर से चीज़ें शरबत वगैरह बनाते हैं वो अनसेचुरेट होते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसमें एक्स्ट्रा और डिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऐसी स्टेज भी आती है, हम जैसे शीरा बनाते हैं, जैसे आपने देखा हो कि हम घोलते जाएँ चीनी, तो एक स्टेज आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, और वो एक्स्ट्रा चीनी जो नीचे बैठ गई उसका उसको डिसॉल्व करना चाहें तो लिक्विड को पानी को गर्म करेंगे, जब पानी गर्म होगा तो जो अनडिसॉल्व पार्ट था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो जितना डिसॉल्व हो गया वो हो गया, बाकी नहीं वो नीचे बैठ जाएगा, जो बैठ गया नीचे वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सॉल्यूशन का हिस्सा वही है जो उसमें डिसॉल्व हो गया। ये बात समझ लीजिए, सॉल्यूशन में पड़ा भी कोई चीज़ सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सॉल्यूशन का हिस्सा कौन है? जो उसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, जो डिसॉल्व हो चुका है वो सॉल्यूशन का हिस्सा है, और जो बिना डिसॉल्व हुए नीचे सेटल डाउन हो गया तो वो पड़ा हुआ है वहाँ पे लेकिन वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, नो मोर यानी और नहीं, और नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ब्रैकेट में लिखेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज, ये हिस्सा ब्रैकेट में लिखना अगर आप लिख रहे हैं तो, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई ये जो पार्ट है प्रेशर वाला इसका ताल्लुक गैसेज से है। हमें आपकी समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई बात? ये अब ये सुपर सेचुरेट की डेफिनेशन आसान है, ये टेम्प्रेरी होता है, बहुत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। सुपर सेचुरेट किसे कहते हैं? यह है टेक्निकल पॉइंट, ये बुक में डिस्कस नहीं किया। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, इन ए गिवन सॉल्वेंट, याद यहां मैं यहां लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है, या आपने 1 लीटर लिया, आधा लीटर लिया, 100 cc लिया, कितना लिया, इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर इज मोर देन दैट अमाउंट, इज मोर देन दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच मेक्स इट सेचुरेटेड, विच मेक्स इट क्या सेचुरेटेड एट दैट गिवन टेम्परेचर, एट दैट गिवन टेम्परेचर देन द सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सेचुरेटेड। क्या सुपर? ये देख लीजिए डेफिनेशन बुक में नहीं है, आसानी से इसको पता भी नहीं चलेगा आपको। अब आप सवाल ये पैदा होता है, कॉमन सेंस की बात है, जब एक दफ़ा डिजॉल्व होना बंद हो गया तो इससे ज़्यादा कैसे होगा? पॉइंट है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई,
आपकी 100 cc में, 100 cc वाटर में, 100 cc वाटर में 20 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, मेक्स इट सैचुरेटेड. सॉल्यूट मेक्स इट व्हाट? सैचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकते. एक हमने एग्जांपल ले ली कि कोई सॉल्यूट है जो 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम, 100 सीसी पानी में, 100 सीसी पानी में 20 ग्राम से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता. ये मैक्सिमम अमाउंट है रूम टेम्परेचर पे. जब इतना डिजॉल्व हो जाएगा, 100 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा उस वक्त डिजॉल्व होने के बाद? सैचुरेटेड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता. इससे कम था तो हो सकता था और डिजॉल्व, अनसेचुरेट था. मैक्सिमम 20 ग्राम डिजॉल्व हो सकता था, वो हो गया डिजॉल्व, तो क्या हो गया? ये सैचुरेटेड हो गया. अब अगर 20 ग्राम की जगह किसी तरह 20 से ज़्यादा, यानी मान लो 25 ग्राम डिजॉल्व कर दें, 25 ग्राम डिजॉल्व कर दें उसी टेम्परेचर पे, तो क्या सवाल ही पैदा होगा कि वो कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता जब वो डिजॉल्व नहीं हो सकता. ये अभी बताता हूँ मैं आपको. तो फिर वो जितनी उसकी सेचुरेशन की अमाउंट ही उससे ज़्यादा है, तो सेचुरेशन की अमाउंट से ज़्यादा है सॉल्यूट, तो कोई नया वर्ड भी सोच आएगा ना फिर, भाई सेचुरेशन के अमाउंट पे जितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता था वो सेचुरेट था, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो कॉमन सेंस की बात है, क्या कहेंगे उसे? सुपर सेचुरेटेड. दिमाग में यही वर्ड आता है कि वो सेचुरेशन से भी ज़्यादा है. तो सेचुरेशन से ज़्यादा का मतलब ये होता कैसे है? ये बात, ये पॉइंट टेक्निकल है, और इसमें एक दो पॉइंट और भी आगे जुड़े हुए जो इसी चैप्टर में भी काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे. समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज मोर देन दैट अमाउंट विच मेक्स इट सैचुरेटेड एट दैट गिवन टेम्परेचर इज मोर देन, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब ये होता कैसे? मान लीजिए इसी की एग्जांपल लेते हैं, 20 ग्राम 100 सीसी पानी में डिजॉल्व हुआ 25 डिग्री पर. 100 ग्राम पे 20 ग्राम डिजॉल्व हो गया 100 सीसी पानी में 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये सूचा सैचुरेट हो गया. अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर, तो व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीज, देन इट कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट प्रोवाइडेड वो सॉलिड है. गैस की गैस में उल्टा हो जाता है. इफ ए टेम्परेचर इज इंक्रीज ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो जो उसकी डिजॉल्विंग कैपेसिटी थी वो बढ़ जाएगी. वो कॉमन सेंस की बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा, और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में गैप बढ़ जाएगा, तो उसमें और सॉल्यूट आ जाएगा. आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो इट्स कैपेसिटी टू डिजॉल्व इंक्रीज आफ्टर एट द टाइम ऑफ एट इंक्रीज टेम्परेचर. अब वो अनसेचुरेट कहलाएगा. अब वो क्या कहलाएगा? मान लो 25 की जगह हमने टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री कर दिया, 25 डिग्री की जगह टेम्परेचर कितना कर दिया हमने? 40 डिग्री. तो अब ये और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने डिजॉल्व किया नहीं. हो जाएगा लेकिन हमने डिजॉल्व, फिर चौके में और डिजॉल्व नहीं कर रहा लेकिन ये कर सकता है, तो इस कैटेगरी में आ जाएगा. द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, तो इसमें डिजॉल्व हो सकता है. तो ये क्या हो जाएगा? When a saturated solution, temperature of saturated solution is increased in case of solid, bracket में लिखना, in case of solid solute, then the solution becomes unsaturated. Then the solution becomes unsaturated. अब वो saturate नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? कि जो उसमें dissolving को power थी वो बढ़ गई, और जितना dissolve हो सकता था वो अब अभी उससे कम है. Power बढ़ी, हमने dissolve नहीं करा. डिजॉल्व अब हम, अगर वो जो पावर बढ़ी है, मान लो 5 ग्राम और डिजॉल्व हो सकता है इस केस में, कितना? 5 ग्राम, यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये 25 ग्राम टोटल
25 ग्राम, 5 ग्राम और डिजॉल्व होगा, टोटल 25 ग्राम, 25 ग्राम पे ये फिर सेचुरेट हो जाता है उसी टेम्परेचर पे, यानी 40 डिग्री पे। 25 ग्राम पे क्या हो जाता है भाई, पहले 20 ग्राम था, कितने डिग्री पर, 25 डिग्री पर, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब उसकी कैपेसिटी डिजॉल्विंग ज़्यादा हो गई, अब कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, हमने मान लिया कि अब 5 ग्राम और डिजॉल्व हो सकता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 25 ग्राम, 25 ग्राम जब वो डिजॉल्व होगा तो फिर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा 40 डिग्री पर, और जब फिर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अब भी सेचुरेट कहलाएगा। अब सुपर से अब वो अनसेचुरेट नहीं रहा, क्या बन गया वो, सेचुरेट। यहां से पॉइंट समझने का है। अब अगर इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को जिसमें आपने ऑलरेडी 25 ग्राम डिसॉल्व कर रखा है, अगर इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ठंडा करें और वापस 25 डिग्री पे ले आए, कितने डिग्री पर, 40 से वापस 25 पे ले जाएं, तो जो अमाउंट एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुई है वो सॉल्यूशन में कुछ देर तक रहती है, वो सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकलती, कुछ देर तक वो सॉल्यूशन में ही रहेगी। उस वक्त हम इसे क्या कहेंगे, उस वक्त उस कहेंगे सुपर सेचुरेट, क्योंकि हम सेचुरेट नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि सेचुरेट तो 20 पे था, जबकि डिजॉल्व कितना हो गया, वो 20 ग्राम था, डिजॉल्व कितना हो गया, वो 5 ग्राम। तो जब हम हायर टेम्परेचर पे सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बना के कम वापस टेम्परेचर कम कर दें, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व हुई है वो सॉल्यूशन से अलग नहीं होती, वो उसमें ही रहती है कुछ देर तक, याद रखिएगा, परमानेंट नहीं रहती, कितनी देर तक, कुछ देर तक, जब तक वो अमाउंट उसमें है मौजूद। उसका भी कोई नाम होना चाहिए ना, उसका नाम क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड, इसलिए डेफिनेशन दी। कोई आपसे पूछे भाई सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन कैसा बनता है, तो आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए हायर टेम्परेचर व्हेन कूल डाउन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट डाउन, देन द एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व एट ए लो टेम्परेचर डज नॉट सेटल डाउन, रिमेन इन द सॉल्यूशन, एट दैट स्टेज सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। आपको समझ में आ गया सुपर सैचुरेट वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। अब आगे इसका यूज समझ लीजिए, आफ्टर सम टाइम दिस जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व है इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, क्रिस्टल्स। इसमें इसी चैप्टर में आगे क्रिस्टल्स की भी डेफिनेशन है, स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम क्रिस्टल कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम, द स्मॉल द सॉलिड पार्टिकल विच सेटल डाउन ऑन कूलिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। देखिए एक तो होता है केमिकल रिएक्शन से कोई सॉलिड बन गया वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आगे चल के, लेकिन व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए हायर टेम्परेचर इज कूल डाउन देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच सेटल डाउन विच कम्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो वो जो अमाउंट सेटल डाउन हो रही है उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल, और हमेशा जब भी क्रिस्टल बनाना हो तो यू हैव टू वार्म द सॉल्यूशन, मेक ए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, व्हेन यू कूल डाउन दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विच इज एट हाई टेम्परेचर, जब उसको ठंडा करेंगे एंड ब्रिंग इट एट रूम टेम्परेचर, देन द एक्स्ट्रा अमाउंट रिमेन इन द सोल्यूशन फॉर सम टाइम, उसको कहते हैं सोल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट सेटल डाउन ग्रेजुअली, और जब वो सेटल डाउन होगी सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, देन दिस सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स, नमक के क्रिस्टल्स आप बना सकते हैं, बल्कि एग्जाम में एक एग्जाम्पल भी थी कि क्रिस्टलाइजेशन नमक का कैसे करोगे, कि आपने 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम 100 सीसी पानी में 30 ग्राम के करीब ये 32 ग्राम नमक डिसॉल्व होता है, आप वो डिसॉल्व करें थोड़ा उसको गर्म कर दें 35-40 ग्राम हो जाएगा डिसॉल्व हाई टेम्परेचर पे 80 डिग्री 70 डिग्री पे, जब 35-40 ग्राम 45 ग्राम डिसॉल्व हो जाए तो उसका टेम्परेचर उसको फिर डिसॉल्व करना बंद कर दें, फिर उसको हम ठंडा करें, जब तक वो डिसॉल्व था वो सैचुरेट था, जब हम ठंडा कर रहे हैं
रूम टेम्परेचर पे आ गए, रूम टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो वो सारा अमाउंट एकदम सेटल डाउन नहीं होगा, उसको ग्रेजुअली टाइम लगता है। जब तक वो सारा अमाउंट सेटल डाउन नहीं हो रहा वो सुपर सेचूरेट है, और आफ्टर सम टाइम वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो सेटल डाउन हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ लैब में 11th में कराते हैं, या आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, सुना है ना, उसको पोटाश एलम कहते हैं, वो दो सॉल्ट से मिलके बनता है, पोटाश एलम, पोटाशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट दो अलग अलग सॉल्ट हैं, उनको घोलते हैं, सेचूरेट सोल्यूशन बनाते हैं, फिर सुपर सेचूरेट बनाते हैं गर्म करके, हाई टेम मतलब हाई टेम्परेचर पर सेचूरेट सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको ठंडा करेंगे, तो जब वो ठंडा करेंगे तो वो सेचूरेट से क्या हो जाएगा, सुपर सेचूरेट, और जब ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर आएंगे तो उस वक्त थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो पार्टिकल्स नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं, बड़े खूबसूरत पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ बैठने शुरू हो जाते हैं, नीचे बॉटम में कंटेनर के, हम कहते हैं ये क्रिस्टल्स हैं किसके, फिटकरी के, पोटाशियम के। इस तरह हम कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट को गर्म पानी में घोला, जब वो घुलना बंद हो गया टेम्परेचर बढ़ा देंगे और डिसॉल्व कर देंगे, और जब वो हाई टेम्परेचर पे जो अनसेचुरेट या सेचुरेट सॉल्यूशन था उसको हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ऑलरेडी इन द सॉल्यूशन इट विल स्टार्ट, वो क्या होगी, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, व्हेन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, सो दैट सॉलिड कॉपर सल्फेट विच इज सेटल्ड डाउन इन द बॉटम, इसको क्या कहेंगे हम, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाट वी विल कॉल इट, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर जो सेटल डाउन हो गए, अनडिजॉल्व जो नीचे पड़ा हुआ वो नहीं, अगर बाई चांस कुछ हिस्सा डिजॉल्व नहीं हुआ और आपने उसको डिजॉल्व नहीं करा गर्म करके, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, वो क्रिस्टल्स नहीं कहलाएंगे, क्रिस्टल्स वही कहलाएंगे जो सॉल्यूशन में से निकल रहे हैं, बिकॉज उसकी पावर जो थी डिजॉल्व करने की, जो होल्ड करने की पावर थी वो कम हो गई थी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पहले से घोल रखा था वो वापस निकाल रहा है, उसको कहेंगे क्रिस्टल, समझ में आया, द सॉलिड पार्टिकल विच सेटल डाउन ऑन कूलिंग सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दो सॉलिड पार्टिकल्स आर नोन एज क्रिस्टल्स एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल इज नोन एज, बस ये डेफिनेशन है, इसी चैप्टर में है आगे। अगर हम मॉलिक्यूल्स बाहर तो नहीं आ जाएंगे? नहीं नहीं, हम इतना गर्म थोड़ी कर रहे हैं वो वेपराइज हो जाए, हम कितना पर पानी है तो पानी को हम 100 डिग्री तक थोड़ी लेके जा रहे हैं, पानी को 70-80 डिग्री तक 90 डिग्री तक, अगर आप उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाएंगे तो वो तो नेचुरल बात है बाहर निकल जाएंगे, एक्स्ट्रा उनको एनर्जी मिल जाएगी लेटेंट ही, और वो इतनी एनर्जी लेके उनकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, फिर जब लेटेंट हीट उनको मिलेगी बॉइलिंग पॉइंट पर तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ थोड़ी रहेंगे, वो तो बाहर निकल जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पीछे जो बैठे हैं लोग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि तीन तरह के सॉल्यूशन, अनसेचुरेट जिसमें हम और डिजॉल्व कर सकते हैं, सेचुरेट जिसमें और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते, उस गिवन टेम्परेचर मेंशन करना ज़रूरी है, और ब्रैकेट में दो बातें लिखनी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्रैकेट में क्या लिखना है, इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस जो है वो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिजॉल्व होंगी, कम होगा तो कम, इसलिए जब आप कैंपा कोला को खोलते हैं या कोई भी एडिटेड बॉटल जो है कोल्ड ड्रिंक की आप खोलते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं, क्योंकि जो उसमें गैस डिजॉल्व थी वो हाई प्रेशर पे थी, जो ही आपने ढकना खोला प्रेशर वो हाई प्रेशर तो नहीं रहा ना, ढकना खोलने पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट गैस की उसमें डिजॉल्व थी वो हमें बबल्स की फॉर्म में बाहर आती नज़र आती है, वो डिजॉल्व इसलिए थी क्योंकि प्रेशर हाई था जब थी डिजॉल्व, अब चूंकि आपने ढकना खोल दिया तो वो प्रेशर कम हो गया तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो बाहर निकलने लगती है, बबल्स की फॉर्म में नज़र आती है, कभी कभी तो इतने जाग बनते हैं कि आधी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक जो है वो बाहर बह जाती है, होता ही नहीं होता ये, तो इसलिए गैसेस के केस में दो फैक्टर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सॉलिड के केस में सिर्फ टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, प्रेशर इन्वॉल्व, प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम डिजॉल्व होगा, इसीलिए ठंडे पानी में चीनी कम डिजॉल्व होती है, होती नहीं बल्कि
बड़ी मुश्किल से, अगर बर्फ पानी बर्फ बनी हुई है और आप बर्फ में आप चीनी डिजॉल्व करना चाहो तो वो नहीं होगी, तो आप क्या करते हैं ठंडे पानी को, ठंडे पानी दूध के अंदर कि वो गर्म पानी में डिजॉल्व करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजॉल्व करते हैं फिर ठंडा करते हैं, तब वो चीनी डिजॉल्व हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा, अब उसमें डिजॉल्व रहेगी। लेकिन हम चाहें कि ठंडे पानी में चीनी डिजॉल्व कर दें तो एक तो टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिबिलिटी जो उनका डिजॉल्विंग रेट है वो स्लो हो जाएगा, दूसरे जो डिजॉल्व होगी वो कम डिजॉल्व होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो उसकी जो कैपेसिटी थी होल्डिंग की वो भी कम हो जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, किसी को डाउट है पीछे? अब हम आ रहे हैं, ये सारा हो गया, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। इसमें मैंने एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दी कि सुपर से ऑन कूलिंग ये सुपर सेचुरेट सॉल्यूशन कब बनता है, व्हेन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए हायर टेम्परेचर इज कूल डाउन टू लोअर टेम्परेचर, तब इसे लिखना पड़ेगा देन द एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व डज नॉट सेटल डाउन, डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इमीजिएटली, इट रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, ये लिखेंगे। एट दैट टाइम व्हेन द एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉट सेपरेटेड एट दैट टाइम द सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सेचुरेटेड, ये इसका बनाने का तरीका है और डेफिनेशन भी मैंने दे दी। क्योंकि कोई आपसे पूछेगा भाई जब सेचुरेट हो चुका है तो और कैसे डिजॉल्व हो रहा है, तो वो जो डिजॉल्व है हमने हाई टेम्परेचर पे करा है, फिर जब हमने लो करा टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे वापस लाए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो एकदम अनडिजॉल्व नहीं होगी, उसे टाइम लगेगा वापस निकलने में, जब तक वो डिजॉल्व है एक्स्ट्रा अमाउंट तो उस टाइम सुपर सेचुरेटेड, एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट विच सेटल डाउन ऑन कूलिंग दो सॉलिड पार्टिकल्स आर नोन एज क्रिस्टल्स, और एक और डेफिनेशन इसका आगे पार्ट आ गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स इज नोन एज, अब कोई आपसे कहे क्रिस्टल बनाओ नमक के बनाओ कॉपर सल्फेट के बनाओ किस चीज के बनाओ, आपको तरीका समझ में आ गया कैसे बनेंगे क्रिस्टल्स हैं, क्या सेचुरेट सॉल्यूशन बनाएंगे या हाई टेम्परेचर पर सेचुरेट बनाएंगे, डायरेक्ट ये नहीं पहले सेचुरेट बनाओ फिर गर्म करो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट हाई टेम्परेचर 70-80 डिग्री पे सेचुरेट सॉल्यूशन बनाओ फिर उसको क्या करो कूल करो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर वो ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स आप नीचे बैठे हुए देखेंगे, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उस वक्त वो पार्टिकल जो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्रिस्टल्स हैं, और ये जो प्रोसेस हुआ है सेटलिंग डाउन का वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। ओके, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसको मैं रैप कर दूं। डेफिनेशन पहले भी आती थी आप लोगों को सुपर सैचुरेटेड की और इसकी, हैं नाम तो सुना था या नाम भी नहीं सुना था, हैं नाम भी नहीं सुना था, चलो अब तो नाम सुन लिया। हाँ बेटे क्या कह रहे हैं आप, तकरीबन ऐसा ही है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन जैसे हम लैब में जब जाते हैं हमने एसिड सुने डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब हमें अगर थोड़ी नॉलेज हो लैब में काम करने की तो हमें पता है डाइल्यूट एसिड जो होता है उसमें पानी की परसेंटेज ज़्यादा होती है एसिड की कम होती है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की परसेंटेज ज़्यादा होती है इसलिए वो ख़तरनाक होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इतना ख़तरनाक है कि अगर वो हाथ पे गिर जाए तो हाथ जो है उसमें जल जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ये ख़तरनाक है। इवन जो आपका घर में आप इस्तेमाल करते हैं एक एसिड रेगुलर विनेगर जिसको केमिकल नेम है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करते, अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आप यूज़ करेंगे तो आपकी ज़बान जल जाएगी, क्योंकि उसकी उसको बहुत सारा पानी मिलाते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ होता है, जब पानी मिला दे ज़्यादा तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। अब डाइल्यूट इज़ नॉट ए कि इतना होना चाहिए पानी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक 100 cc पानी में दो गिलासों में 100 cc पानी लिया, एक में आपने एक चम्मच चीनी घोला 10 ग्राम, दूसरे में आपने
दो चम्मच यानी 20 ग्राम चीनी घोला, पानी दोनों में सेम है। तो जिसमें पानी ज़्यादा है वो चीनी की परसेंटेज कम है उसे हम कहते हैं ये डाइल्यूट है, जिसमें चीनी की परसेंटेज ज़्यादा है उसे हम क्या कहते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड है। आप एक और तीसरा ले लो उसमें तीन चम्मच घोल दो तो उसमें तो अब पहला वाला दूसरे के मुकाबले डाइल्यूट है, दूसरा वाला तीसरे के, इसको उल्टा कर दो कि तीसरा वाला दूसरे के मुकाबले कॉन्सेंट्रेट है और दूसरा वाला पहले के मुकाबले। तो कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ ज़्यादा देखिएगा इन्हें सॉल्यूशन और इन्हें सॉल्वेंट दोनों में दोनों यूज़ होते हैं, दोनों के नाम अलग हैं, कहीं हम सॉल्वेंट को लेते हैं और कहीं हम सॉल्यूशन को एज ए होल लेते हैं। तो वो जो सॉल्यूट के अमाउंट है वो जो कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, खाली सॉल्वेंट से भी ले सकते हैं। ये बात समझ में आया? इसके बहुत सारे थे वेरियस मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन कि कितनी परसेंटेज, यानी कॉन्सेंट्रेशन की अगर डेफिनेशन देंगे इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, बताया था पहले फिजिकल क्वांटिटीज को नाप सकते हैं, विच डिटरमाइन अमाउंट ऑफ, विच इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवेन सॉल्यूशन और इन ए गिवेन सॉल्वेंट, दोनों को अलग अलग लेंगे, दोनों को अलग अलग जो अभी भी ये डेफिनेशन आएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन जो नाइन्थ के कोर्स में और भी कॉन्सेंट्रेशन कई तरह से डिटरमाइन होती है, बहुत सारे तो कॉन्सेंट्रेशन के तरीके हैं, कहीं मास की मदद से निकालते हैं, कई मॉलिक्यूल्स के क्वांटिटी की मदद से निकालते हैं कि भाई कितने मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा है इसमें मॉलिक्यूल कम है, कहीं वॉल्यूम की हेल्प से निकालते हैं इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है सॉल्यूट का इसमें वॉल्यूम कम है। सो मेनी मेथड्स आर देयर एंड देयरफॉर देयर आर सो मेनी नेम्स ऑल्सो। लेकिन जो 10-9 के कोर्स में कॉन्सेंट्रेशन है वो दो तरह की है, क्या है वो? एक तो है कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मास बाय मास, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम बाय मास, क्या? वॉल्यूम बाय मास, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? दिखाइए, ये आपकी बुक में जो उसमें न्यूमेरिकल भी है कोर्स में। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ इनटू 100 इंटू 100, ठीक है? कैसे डिफाइन करोगे मास बाय मास परसेंटेज को? कैसे डिफाइन करोगे मास बाय मास को? उल्टा भी लिख सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे बताओ? मैंने आपको मैथ्स में तरीका बताया था इससे पहले भी डेफिनेशन के अंदर कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम रेशो कह सकते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में कह रहे हैं तो उसको पहले बोल दें परसेंटेज रेशो, परसेंटेज रेशो ऑफ ए मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट टू द डेफिनेशन पूरी हो गई। जैसे अगर मान लो एक आपका सी है, C इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू 100 है परसेंटेज के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे कि C इज वॉट? C इज परसेंटेज रेशियो, यानी 100 कहने की जरूरत नहीं, परसेंटेज रेशियो ऑफ ए टू बी। जब परसेंटेज बोलते हैं तो इसको टू पढ़ते हैं, तो परसेंटेज रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंट, क्या नाम है, कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा तरीका क्या है? ये जो ऊपर 100 है ये सॉल्यूशन की अमाउंट है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन, देखो मैं तो यूनिटी मेथड से करूँ
कि एक्स ग्राम सॉल्यूट था जो डिजोल्व था हमारा, क्या नाम, सॉरी वाई सी सी सॉल्यूम में, वाई सी सी वॉल्यूम में, वाई माई ग्राम में, परसेंट उसमें मास में ले रहे हैं ना, वाई ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो मान लो एक्स है, तो एक ग्राम में कितनी होगी एक्स अपॉन वाई, और 100 ग्राम सॉल्यूट में कितनी होगी, सॉल्यूशन में कितनी होगी एक्स अपॉन वाई इंटू 100, एक्स 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉरी, फिर कैसे डिफाइन होगा कि 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व है, तो कैसे डिफाइन करेंगे ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, ये जो है ये नीचे वाले की अमाउंट इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसको हटा देते तो डेफिनेशन हम कहते हैं 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन इन, क्योंकि डिनोमिनेटर को डेफिनेशन में वन कर देते हैं, इन ए यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन, लेकिन चूंकि परसेंटेज में डिफाइन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो वन यूनिट नहीं है, वो कितनी है, वो 100 है, तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो ये दो डेफिनेशन हो गए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय मास है, सॉरी वॉल्यूम बाय मास है या मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय मास है ना, वॉल्यूम बाय क्या, मास बाय वॉल्यूम सॉरी, तो यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इनटू 100, अब बताओ कैसे डिफाइन हो गई, नहीं परसेंटेज के हिसाब से डिफाइन करो, द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज परसेंटेज रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टू द, अगर हम इसको रेशियो में ना डिफाइन करें, वैसे डिफाइन करें कि इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 यूनिट वॉल्यूम, 100 यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम सीसी में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, उस तरह से लेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेंगे तो इट इज द परसेंटेज, इसके मास की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, अभी सॉल्यूट का भी वॉल्यूम